भद्रन्नो अपिवातय मनः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस संसार में जैसे हम लोग देखते हैं उसके अनुसार अनेकों प्रकार के प्राणी जीव हैं। जड़ और चेतन विभाग तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिन्हें हम चेतन मानते हैं उनके भी अनेकों प्रकार के शरीर हैं, जिसको शास्त्रों में 84 लाख योनि ऐसे वर्णन किया है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य को ही बताया गया, किंतु मनुष्य शरीर मिलने मात्र से, मनुष्य जन्म मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता है। इस शास्त्रकारों ने कहा है कि धर्मेण हीना पशु विसमाना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती इत्यादि। देखने में तो मनुष्य का शरीर है, किंतु मनुष्य शरीर होते हुए भी वो पशु जैसे जी रहा है। और जो धर्म एवं ज्ञान से शून्य है उस मनुष्य को भी पशु ही कहा गया। ज्ञान से शून्य का तात्पर्य शास्त्रीय ज्ञान, वेद ज्ञान से शून्य, कि मनुष्य मात्र कल्याण के लिए ईश्वर ने वेदों को हम लोगों के सामने प्रकट किया है, जो ऋषियों के हृदय में प्रथम अभिव्यक्त हुआ और ऋषि परंपरा गुरु परंपरा के द्वारा आज तक चलाया हुआ है। यह वेद किसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यह वेद किसके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, न इसे कोई स्मरता है न करता है, न वेद से स्मरता रहा करता है। ऐसे यह वेद यद्यपि नित्य है इसलिए इसको सनातन कहते हैं। अरे मनुष्य मात्र के हित में इसमें धर्म जाति किसी का भी प्रभेद के आधार पर नहीं है, मनुष्य मात्र का कल्याण के लिए वेद अभिव्यक्त हुआ प्रकट हुआ है। और वेद एक ही था, वो अनेक नहीं था। इन कालक्रमेण मनुष्य का बुद्धि कुंठित हो जाने से एक विशाल वेद को याद रखना संभव नहीं था। यह स्थिति को देखते हुए स्वयं भगवान बादरायण व्यास के रूप में आए और वेद व्यास रूप से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इस वेद को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यद्यपि श्रुति कहती है तस्माद् एतस्य महतो भूतस्य योनये है ईश्वर स्थितम् यद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद करके उस परमात्मा से सीधे ही 4 वेद निकले थे, ऐसे श्रुति प्रमाण है। इन पौराणिक कथाओं में इस प्रसिद्धि है वह 4 वेद यद्यपि परमात्मा से निकला तो एक रूप में ही था, उसको पुनः व्यवस्थित किया वेद और उसको भी 3 भाग में भी मानते हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड पर विभक्त हुआ। कहीं कर्मकांड में विशेष तौर पर जो मुख्य रूपेण 4 ऋत्विक माने जाते हैं यज्ञ कराने वाले होता ऋग्वेदी कर्मों को लेकर करता है, तो
आदि काल में जब यज्ञ वगैरह संचालित थे उस समय में वेद व्यास जी ने देखा कौन किन मंत्रों का प्रयोग कर रहा है, उसके आधार पर कर्म और उपासना को देखते हुए उन्होंने चार भाग विभक्त वेद सामवेद और अथर्ववेद। और दूसरी यह भी है ऋग्वेद गद्य परक है और पद्य परक भी है, अधिकतर पद्य परक है और यजुर्वेद अधिकतर गद्य परक है, सामवेद मुख्य रूपेण पद्य ही है, अथर्ववेद में तो अवशिष्ट सारी बातें जो कहना है कह दिया गया, इसलिए वास्तव कुछ विशेष गीतिर साम, इसलिए जैमिनी ने भी अपने जैमिनी सूत्र में लिख दिया साम गायन परक है। तो इस प्रकार से विभाजन किया हुआ है मंत्रों का वेद को चार भागों में, और वेद व्यास ने पहले ऋग्वेद को पहले महर्षि को पढ़ाए, यजुर्वेद को वैशंपायन को कृष्ण वैशंपायन भी कहते हैं, और सामवेद को जैमिनी प्रथम सुमंतु नामक ऋषि को पढ़ा है। इस प्रकार से वर्षिक क्रम से फिर चारों वेद चल पड़े और वह भी फिर एक एक वेद भी अनेक शाखाओं में विभक्त होते गया, क्योंकि संपूर्ण एक को भी सभी ग्रहण नहीं कर पाते थे, तो शाखा भेद से ऋषि लोगों ने उसको आवश्यकता अनुसार क्षेत्र के अनुसार विभाजन करके पठन पाठन चालू हुआ। और वेदों का नाम दूसरा मुख्य नाम वह है श्रुति, इसे श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु का मुख से श्रवण करके ही ग्रहण किया जाता था, पुस्तक आकार में पहले कभी न लिखा गया था न छपने का तो दूर की बात थी, अतः इसका नाम श्रवणात् प्राप्तमिति श्रुति, श्रवणात् प्राप्त या सा श्रुति ऐसे भी कहा जाता है। और आज भी जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं सनातन धर्मी, वे वेदों को गुरुमुख से ही सुनते हैं, अपने आप ग्रंथों से कभी पढ़ते नहीं है, सुन के ही मंत्रों को प्राप्त करते हैं और याद करते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो ग्रंथ को स्पर्श भी नहीं करते, ग्रंथों को सहयोग भी नहीं लेते, आश्रय भी नहीं करते हैं और वेदों को पढ़ते हैं। वास्तविक परंपरा थी, श्रुति परंपरा है, वैदिक परंपरा है। और इस वेद में इस मनुष्य जाति के अत्यंत गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अत्यंत अमीर जो सम्राट आदि हैं सभी के विभिन्न प्रकार के कर्म उपासना और ज्ञानों की चर्चा की है, मन हर व्यक्ति की कामना को ध्यान में रखा गया है, उसे कामना की पूर्ति के लिए आवश्यक जो अलौकिक जो अज्ञात सामान्य तौर पर न जाना जाए ऐसे साधनों को वर्णन किया है। ये वेद का वेदत्व कुमार भट्ट ने वर्णन किया, प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदंति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद का वेदत्व है कि जो हम प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनुमान आदि प्रमाणों से जिन फल प्राप्ति के साधनों को जान नहीं पाते हैं उन फलों के साधनों को जो वर्णन कर रहे हैं उसी का नाम वेद है। यही वेद का वेदत्व है, वह हमें जो प्रत्यक्ष अनुमान से जो साधन नहीं जान पाते हैं ऐसे विशेष साधनों का वर्णन कर देते हैं जिनको अपनाने से हमें अपने वांछित फल प्राप्त हो जाता है। अतः वेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मनुष्य मात्र के अंदर चार प्रकार की इच्छाएं देखने को मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं धर्म के अनुसार जीऊं, कुछ नियमित जीवन व्यतीत करूं, कुछ संयमित जीवन व्यतीत करूं। इस प्रकार से नियम संयम से जीने की जो इच्छा है यही धर्म है। और कैसे संपन्न होना चाहिए, किन चीजों का अनुपालन करने पर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, नियम से जी रहे हैं यह निश्चय हो, इसको वेदों ने बताया। और वेदों में बताए इस धर्म का नाम से सनातन धर्म, जिसको आजकल लोगों ने अध्यारोपित करते हुए हिंदू धर्म कह दिया है, इन वास्तव इसका नाम सनातन धर्म है।
और दूसरा मनुष्य की आवश्यकता है अर्थ, जो भी वो करना चाहता है उसके धन की जरूरत है। और धन भी किस प्रकार से प्राप्त करना है यह प्रक्रिया का वर्णन, उस धन प्राप्ति के लिए एक साधन वेदों में वर्णन किया है, धर्म अर्थ। और इसके अलावा शरीर के कारण से, इंद्रियों के कारण से अनेक प्रकार विषय भोग करने की इच्छा हर मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, इसे काम कहते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के यह लोक और इस यह लोक के सुखों के आधार पर अनुमान करता हुआ वह परलोकों की परिकल्पना करता है, परलोक के सुख प्राप्ति के साधन को जानना चाहता है। यह लोक परलोक इन सकल लोकों के, सकल कामनाओं के, सकल फल भोगों की प्राप्ति का साधन भी वेद में वर्णन किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति अब समझता है धर्म अर्थ और काम के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह फल अनित्य है, शाश्वत नहीं, और इससे हमें एक परम शांति की प्राप्ति, निर्दिष्ट शांति की प्राप्ति, नित्य शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे विवेकी व यह लोक परलोक से के भोगों से जो विरक्त है, उन लोगों के लिए जो इस संसार के इस बंधन से, इस प्रकार का क्लेश और दुख से निकलकर परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मोक्ष को चाहने वाले जिज्ञासुओं को मोक्ष क्या है और उसके साधन क्या है, वह आत्मा क्या है, उसका ज्ञान क्या है, इन सब का भी वर्णन वेदों में किया गया। इसलिए इस प्रकार से वेद में सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वरूप व साधन का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि मनुष्य मात्र अपने देश भेद और तथा कथित अध्यारोपित जो धर्म भेद है, हिंदू ईसाई मुस्लिम आदि जातिगत भेद है, इन सब को बगल में रखते हुए अपने मनुष्य मात्र का सामान्य लक्ष्य धर्म अर्थ का मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है, इसे पाने के लिए वो वेदों की ओर जाएं, वेदों को समझें, वेदों को पढ़ें और वेदों के द्वारा बताई हुई रीति से अपने जीवन को चलाएं, ताकि उसका अपना जीवन ये सफल हो और मनुष्य सुखी हो, ये हमारी सबको शुभकामना है।